इलेक्शन कमीशन ने फारूक सत्तार की पतंग काट दी। एमक्यूएम की कन्वीनरशिप से फारिग, मुख्तसर फैसला जारी। खालिद मकबूल पार्टी के सरबराह तस्लीम। कुंवर नवीद और खालिद मकबूल सिद्दीकी की दरखास्तों पर 5 रुकनी कमीशन ने दलाल सुने। बहादुराबाद में खुशियां, अहम रहनुमाओं की आमद, मिठाइयां भी तकसीम। PIB ग्रुप में सोग, फारूक सत्तार की रिहायशगाह के बाहर मुकम्मल खामोशी। जस्टिस वजीर साहब के केस में ये कहा गया ये इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट है, हमारा इख्तियार नहीं है, ये फैसला हम नहीं दे सकते, आप अदालत में जाएं। बाकी सबको अदालत भेजा और हमें घर भेजने की तैयारी की जा रही है। क्यों निकाला के बाद घर क्यों भिजवाया गया, सवाल। फारूक सत्तार को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बलाल, गैर आइनी और गैर कानूनी भी करार दे दिया। कहते हैं पार्टी तराजे पर फैसला इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, बाकी सबको अदालत भेजा, हमें घर भेजने की तैयारी हो रही है, फैसले को स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। राबता कमेटी के फैसले आइन के मुताबिक थे, तवक्को थी फारूक सत्तार इलेक्शन कमीशन का फैसला मानेंगे। बहादुराबाद ग्रुप के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगु, फैसल सबजवारी बोले, पार्टी किसी भी सूरत तकसीम नहीं होने देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वापसी पर मुशावरत करेंगे, फारूक सत्तार को भी शिरकत की दावत देंगे। MQM पाकिस्तान का बहादुराबाद के अलावा कोई दफ्तर नहीं, पार्टी परचम और इंतखाबी निशान भी यही मौजूद है। शाहिद काका नब्बासी नहीं जानते कि गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है। कप्तान का सवाल, PTI चेयरमैन का एबटाबाद और हरिपुर में खिताब, मुखालिफीन पर लफ्जी वार। बोले, शरीफों अपनी चोरी छुपाने के लिए मुल्क तबाह कर दिया। शहबाज शरीफ ने पंजाब में एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया। 2018 के इंतखाबात अवाम के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। मियां साहब तो अब कुछ भी नहीं रहे, क्या कार्रवाई करें। तो इन्हें अदालत केस की समाप्त के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, क्या नवाज शरीफ ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस की हैं, बताएं केस में क्या बाकी है। अदालत का इस्तफसार, जस्टिस एजाजुल अहसन ने केस गैर मौसर करार दे दिया, दरख्वास्त खारिज। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ नैब का घेरा तंग, आमदन से ज्यादा असासे बनाने के मामले की जांच पड़ताल का हुक्म। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास, अली जहांगीर सिद्दीकी का नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखने का भी फैसला। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन तैनाती केस में डायरेक्टर HEC की कल तलबी। पहले गालियां, अब माफियां। तौहीन अदालत के इस निहाल हाशमी ने फिर माफी मांग ली। आपने गालियां किसको दी, आपकी जगह मैं होता तो शर्म से डूब मरता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सवाल कल तक मुलतवी। उधर दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत पर मजीद कार्रवाई जुमे को होगी। सेनेट का चेयरमैन जो है, आज वो पैसे देकर जो वोट लिए गए, जो वोट खरीदे गए, सेनेटरों का ईमान खरीदा गया, उनका जमीर खरीदा गया, आज सेनेट का चेयरमैन उन वोटों की वजह से बैठा हुआ। सादिक संजरानी की जानिब से मिलने की ख्वाहिश का इजहार, वजीर आजम का साफ इनकार। चेयरमैन सेनेट ने कर्टसी मुलाकात के लिए वक्त मांगा था, शाहिद खाकान अब्बासी ने ना में जवाब दिया। इंतखाबात भी मुतनाजे दे चुके हैं, मुलाकात के लिए कोई खत नहीं लिखा गया, सेनेट तर्जुमान की तर्दीद। लाहौर के इलाके मनावा में 3 बच्चों की मौत, मामला उलझ गया। तैयब, हसीब और अलिशबा की मौत की वजह टॉफी या कुछ और, मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। बच्चों ने रात घर में पका खाना खाया, उसी वक्त से पेट में दर्द था, तफ्तीशी जराए। मां की जहनी हालत भी मशकूक निकली।
मशहूर के बाद जड़ावाला में बच्चों के साथ ज्यादती का बड़ा स्कैंडल बेनकाब, दर्जनों वीडियोस मंजरेआम पर आ गईं। आठ रुकनी गिरोह मुलव्वस, मुलजिम पहले शैतानी खेल खेलते फिर बच्चों और वालदैन को ब्लैकमेल करते, पुलिस सिर्फ दो को पकड़ सकी। कराची में जाली पुलिस मुकाबले में जान बहक नकीबुल्लाह के दोस्त की लाश बरामद, अमानुल्लाह को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। लाश कैदाबाद गुलशन बुनेर में कार से मिली, जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। नादरा केस में वजीर दाखला की अदालत पेशी, बड़े गुस्से में बैठे हैं। आप अदालतों को दुश्मन समझते हैं, अदालतें दुश्मन नहीं दोस्त हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, एहसन इकबाल ने ओवरसीज पाकिस्तानी को शनाख्ती कार्ड के इजरा में रिलीफ देने की यकीन दहानी करा दी। पीएसएल बुखार उतरते ही गर्मी का पारा चढ़ गया, कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा, दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात की जानिब से पारा 40 तक जाने की पेशगोई, माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। लाहौर के मॉल रोड पर फिर एहतजाज, लेडी हेल्थ वर्कर्स का पंजाब असेंबली के सामने धरना, बकाया जात अदा करने का मुतालिबा पूरे न होने पर पोलियो मुहिम के बायकॉट की धमकी, शहर की मरकजी चौराहा बंद, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, अतराफ की सड़कों पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें। एयर मार्शल अरशद मलिक पाक फिजाइया के नायब सरबराह मुकर्रर, अरशद मलिक ने 1983 में बतौर फाइटर पायलट कमीशन हासिल किया। JF-17 थंडर की तैयारी के दौरान चीन में 2 साल तक कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियां निभाई, चेयरमैन एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स भी तैनात रहे। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में फौजी अफसरों और जवानों को एजाजात देने की तकरीब, 8 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया, 15 अफसरान को तमगा इम्तियाज और 24 को तमगा बसालत दिया गया। ISPR के मुताबिक शहदा के एजाजात उनके लवाहकीन ने वसूल किए। लंदन में साबिक रूसी जासूस पर कातलाना हमले का मामला, अमेरिका समेत 14 ममालिक का बरतानिया से इजहार यकजहती, रूसी सफीरों को निकालने का ऐलान, अमेरिका ने 60 रूसी सफीरों को जासूस करार दे दिया, मुल्क छोड़ने की भी हिदायत। रियासत वाशिंगटन के दारुलहुकूमत सियाटल में रूसी कौंसल खाना बंद करने का भी फैसला। हौसी बागियों का सऊदी अरब पर बड़ा हमला, यह के बाद दीगरे 7 मिसाइल दागे गए, तमाम मिसाइल सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए तबाह, 1 शख्स हलाक 2 जख्मी, तबाह मिसाइलों का मलबा सड़कों पर बिखर गया, लोग सेल्फियां बनाते रहे। कैटालोनिया के सूबाई रहनुमा की जर्मनी में गिरफ्तारी, स्पेन में कशीदगी, बार्सिलोना की सड़कें मैदान जंग बन गई, हजारों अफराद का मुजाहरा, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। रूस बल्गारिया यूक्रेन और रोमानिया में अनोखी बर्फबारी, रूई के नारंगी गालों ने शुमाली यूरोप को मरीख बना दिया, नजारा देखने वाले हैरान, माहिरीन के मुताबिक रेत के तूफान की बर्फ और पानी में आमेजिश ने रंग तब्दील कर दिया।